अगर आप घर बैठे बाहर की टेस्टी रेसिपी खाना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए निशाज कुजीन को, और बेल आइकन दबाकर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस का मैसेज इजीली आप तक पहुंच सके। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशा और निशाज कुजीन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने आई हूं और विंटर स्पेशल लेकर आई हूं। विंटर्स मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स। तो चलिए निशाज कुजीन के साथ कुछ अलग अंदाज में ग्रीन वेजिटेबल्स बनाते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक ग्रीन वेजिटेबल्स की सब्ज़ी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही रिच होता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। बट हरे सब्जी के साथ इसमें मसालों का कोई यूज़ नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हरी चीज़ों का यूज़ किया गया है। इसके लिए मैंने यहाँ पे बैंगन लिया है, पालक की साग ली है, टोमेटो लिया है, सेम की फली ली है, ये आलू है। आप चाहें तो आलू ले सकते हैं और चाहें तो नहीं भी ले सकते हैं। ये आलू को मैंने एयर फ्रायर में रोस्ट कर लिया है थोड़ा सा। इन सभी चीज़ों को अब मैं बॉयल करूँगी। बॉयल करने के बाद सब्ज़ी का तड़का जो है वो हरा लहसुन, लहसुन हरी मिर्च और सोयाबा की साग जो है वो बहुत ही सीजनल फूड है, इसी सीज़न में बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है। और एक बार आप इस सोयाबा के साग के साथ सब्जी का तड़का लगा कर देखिए, बैंगन सेम की सब्जी का, आपके टेस्ट में एक अलग ही फ्लेवर आएगा। जो कि आप मसाले बहुत ज़्यादा रिच मसालों के साथ भी जो फ्लेवर आप नहीं मिलता, वो ये सोयाबा के साग में एक नेचुरल फ्लेवर होता है जो कि हमारे सब्जी को बहुत ही अच्छा डिलीशियस लुक देता है और डिलीशियस फ्लेवर देता है। तो चलिए बनाते हैं हम ये ग्रीन वेजिटेबल्स का सब्ज़ी जो कि बहुत ही कम तेल मसाले से बनी हुई है। इसके लिए मैं सबसे पहले इन सब्जियों को बॉयल करूँगी। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा सब्जी बॉयल हो गया है। अब इसे हम तड़का लगाएंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, बट बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सब्ज़ी ये तैयार होती है और बहुत ही हेल्दी भी होती है। आप इसे बनाएं एक बार ज़रूर और हमें बताएं कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा, क्योंकि सोयाबा का टेस्ट बहुत ही डिलीशियस होता है। अब इसे मैं तड़का लगाऊंगी, छौंक लगाऊंगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक आयरन कढ़ाई ऑलरेडी पहले से रखी हुई है, उसमें तेल गर्म होने के लिए डाला है। इसमें मैं पंचफोरन डालूंगी। पंचफोरन पांच चीज़ों से बना होता है, जिसमें सौंफ, कलौंजी, अजवाइन, पीली सरसों और ज़ीरा होता है और मेथी। इन चीज़ों को मिक्स करके तड़का के लिए बनाया जाता है। और इस टाइप की सब्ज़ी में जब आप पंचफोरन का तड़का लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट खिलकर आता है। देखिए हमारा ये तड़का तैयार हो रहा है। हमारा पंचफोरन तड़क गया है। उसमें मैं हरी मिर्च डालूंगी और साथ ही सोबा और लहसुन। लहसुन हरे लहसुन की पत्तियां जो हैं वो हम पहले बाद में डालेंगे, पहले सोबा और लहसुन की जो बारीक कटी हुई पीसेस हैं उसको हल्का सा गुलाबी होने तक भून लेंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है ये। आप इसे ट्रेडिशनल मूली के पराठे के साथ या सादी राइस के साथ खाएं, बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें मैं सिर्फ थोड़ी सी कलर के लिए हल्दी डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर, और कोई भी मसाला मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। बिल्कुल कॉन्टिनेंटल वे में ये सब्ज़ी तैयार होती है, सिर्फ लहसुन और सोयाबा मिर्ची के तड़का के साथ। ये देखिए हमारा सोयाबा और लहसुन हल्का गुलाबी
हो गया है। अब इसमें मैं लहसुन की पत्तियां जो है वो डालूंगी। इसमें मेन फ्लेवर जो है वो हरे लहसुन की पत्तियां और सोबा के कान आती है। आप इसे एक बार ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी। यकीन है मुझे कि जिन्हें ग्रीन वेजिटेबल पसंद है उन्हें ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी तैयार होती है और सोबा का फ्लेवर तो माइंड ब्लोइंग। इसे थोड़ा सा लाल होने के बाद हम सारी सब्जियों को इसमें पलट देंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हमारी लहसुन की पत्तियां भी अच्छे से भुन गई हैं। अब इसमें हम अपनी बॉयल की हुई सब्ज़ी को पलट देंगे। फ्रेंड्स आप सोचते होंगे कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आयरन की कढ़ाई ही यूज़ क्यों करती हूँ। तो फ्रेंड्स आयरन की कढ़ाई जो है वो मेडिकली बहुत अच्छी होती है। आप इसे यूज़ करेंगे तो आयरन की डायरेक्ट ना हमें सब्ज़ी में इंटेक्ट होती है, क्योंकि आयरन कढ़ाई जो है वो डायरेक्ट आयरन का स्रोत होता है और इसमें बनी हुई सब्ज़ी हेल्दी होती है। तो इसलिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आयरन की कढ़ाई यूज़ करती हूँ। ये देखिए हमारा सब्ज़ी में तड़का लग गया है। अब मैं इसे एक बॉयल आने तक अच्छे से बॉयल आ जाए उसके बाद इसे सर्व कर दूंगी। ये सब्ज़ी बिल्कुल सर्व के लिए रेडी है। देखा कितना सिंपल और इजी वे में बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस सी एक सब्ज़ी तैयार हुई है। और ये विंटर्स में सारी सब्जियां हरी सब्ज़ी हमें बिल्कुल फ्रेश मिलती है, वैसे सीजन में ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छा है हेल्थ के लिए भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूनने से सब्जियों की पौष्टिकता ख़त्म हो जाती है और इसमें मसाला भी नहीं है। तो मसाला भी बहुत से टाइम हमारे हेल्थ को थोड़ा सा इफ़ेक्टेड करते हैं। इसमें नेचुरल वे में फ्लेवर दिया गया है सोयाबा और हरे लहसुन का। जिन लोगों को लहसुन खाना पसंद नहीं है वो सिर्फ सोबा का तड़का लगा के भी इसे बना सकते हैं। सोबा में एक अपना बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है जो किसी भी सब्जी साग के फ्लेवर को बढ़ाने के लिए काफ़ी होता है। फ्रेंड्स ये देखिए हमारे सब्ज़ी में बहुत अच्छा उबाल आ गया है और इसकी थिकनेस इतनी ही रखनी है मुझे। बहुत ज़्यादा सूखी सब्ज़ी ये अच्छी नहीं लगती है। तो हमारा देसी स्टाइल का बिल्कुल सिंपल इजी विंटर स्पेशल ग्रीन वेजिटेबल बनकर रेडी है। आप भी बनाएं और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें कि आपको हमारा ये देसी स्टाइल सब्ज़ी कैसा लगा। अब मैं इसे सर्व करती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा सिंपल बिल्कुल सिंपल देसी स्टाइल ग्रीन विंटर स्पेशल सब्ज़ी रेडी है। आप भी बनाइए और हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय भारत, जय हिंदुस्तान।